अफगानिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ की धरती एक बार फिर बम धमाके से दहल उठी। यहाँ के बल्क प्रांत के मजार शरीफ शहर में एक बम धमाके ने कई मासूमों की जान ले ली। बताया जा रहा है कि इस बम धमाके में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं 14 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इस ब्लास्ट को एक आत्मघाती हमलावर ने अंजाम दिया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या में इजाफा देखने को मिल सकता है। यह ब्लास्ट पत्रकारों के एक कार्यक्रम में हुआ। पत्रकारों का एक समूह सुबह 11 बजे पत्रकार पुरस्कार समारोह के लिए ताबियान फरहंग केंद्र में एकत्र हुआ था, तभी यह विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में मारे गए लोगों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। वहीं घायलों में 5 पत्रकार शामिल हैं। विस्फोट में एक सुरक्षाकर्मी की भी मौत हो गई है। बता दें, अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, वही तालिबान जिसने 2 दशक तक अमेरिका से लड़ने के बाद वहां पर अपना कब्जा जमाया। खैर, जबरन उसने सरकार तो बना ली, लेकिन आए दिन हो रही हिंसा का वो कुछ नहीं कर पा रहा। इससे 2 दिन पहले भी वहां एक ब्लास्ट हुआ था, तब भी अफगानिस्तान के मजार शरीफ शहर को निशाना बनाया गया था। इस बम धमाके में तालिबानी गवर्नर समेत 3 लोगों की जान गई थी। इसके 2 दिन बाद एक बार फिर मजार शरीफ शहर को धमाके की गूंज सुनने को मिली। आधिकारिक रूप से अब तक हमले की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। बता दें, अफगानिस्तान पर तालिबान ने अगस्त 2021 में अपना कब्जा जमा लिया था। इसके बाद से ही अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट खुरासान की ओर से लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़ा क्षेत्रीय संगठन इस्लामिक स्टेट इन खुरासान प्रोविंस तालिबान का अहम प्रतिद्वंदी है। ये संगठन सुरक्षा बलों और शिया अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाता आ रहा है। तालिबान इस संगठन के आगे झुकता नजर आ रहा है, क्योंकि आए दिन हमले होते जा रहे हैं और वो हाथ पे हाथ धरा बैठा है। खैर, इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है और तालिबान की ओर से भी ज्यादा कुछ नहीं कहा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।